तो रेड डॉट को इतना रखो, रेड डॉट इतना मेरे ख्याल से इनफ है, 2x को इतना रखो गाइस, 2x और जनरल के बारे में। तो भाई लोग सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर, और आज का वीडियो एकदम ओपी वीडियो होगा, बिकॉज आज अपन लोग बात करने वाले फ्री फायर के अंदर हेडशॉट के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि यार रज्जू भाई फ्री फायर में इजिली हेडशॉट कैसे मारे बताओ, उसके लिए कोई ट्रिक है या टिप्स है तो उसके बारे में बताओ। तो गाइस आज अपन लोग बात करने वाले है इसके बारे में, मतलब जो हेडशॉट होते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, देखो जैसे वीडियो ना मैं बहुत कम बनाता हूँ, और आई थिंक मुझे ना 2.5 साल गाइस खेलते खेलते गेम खेलते खेलते हो गया, आई थिंक होने आए होंगे 2.5 साल, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस अभी गेम का हो चुका है। और आज वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग हेडशॉट मार सकते हो गेम के अंदर इजीली। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो बहुत ज्यादा गजब होने वाला है, और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आप लोग कौन कौन सी गलती करते हो तो आपका हेडशॉट नहीं लगता उसके बारे में भी बताऊंगा, एंड कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसी बात पे गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और चलो आ जाओ। तो सिर्फ लाइक से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब भी करना होगा। और राजू भाई को यह पता नहीं है कि जो जो बंदा मोबाइल पर खेलते कितना कोशिश करता है फिर भी हेड नहीं लग रहा है। ओ मैं समझ सकता हूँ, देखो भाई इतना फायर बटन को ऊपर खींचता हूँ फिर भी हेड नहीं लग रहा है। और राजू भाई को क्या पता, वो पीसी पर खेलता है उसका मूवमेंट स्पीड वगैरह वो अलग तरीके का होता है, और जो जो बंदा मोबाइल पर खेलते हैं वो देखो भाई ये हालात देखो, हेड नहीं लगता है यार, मैं क्या ही बोलूँ। और मैं थोड़ा थोड़ा सा के समझ सकता हूँ कि मोबाइल पर जो जो बंदा खेलता है उसका सेंसिटिविटी क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, वो मैं दिखा दूंगा बाद में। पहले तो ये देखो अज्जू भाई का वीडियो देखो, फिर बाद में मेरा एक सेकंड के लिए मेरा वीडियो देखना, एक मिनट के लिए, क्योंकि मैं मोबाइल पर खेलता हूँ। और मेरा भाई साहब मैं बाद में बता दूंगा, पहले अज्जू भाई का वीडियो देखो फिर मेरा वीडियो देखना, ठीक है। सिर्फ 2 सेटिंग दिखाने वाला हूँ मैं। तो बात करते हैं अभी पहले पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट बहुत सारे लोगों को यह रखता है कि कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है अगर आप ऑटो हेडशॉट मारना चाहते हो तो। लाइक ऑटो हेडशॉट तो क्या, मतलब हेडशॉट मारना चाहते हो तो ऑटो हेडशॉट वगैरह कुछ होता नहीं है वैसे, बट मेन वही है कि लोगों को लगता है कि कैरेक्टर स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर हम हेडशॉट मारना चाहते हैं, तो मेन पहला पॉइंट है। तो गाइस ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है हेडशॉट मारने में। हाँ हेल्प करता है, बट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा वो नहीं करता कि आपके उसके साथ हेडशॉट लगेगा। अगर मैं अगर यहाँ पे डीजे एडम ही ले लेता, चलो मैं एडम ले लेता हूँ और एडम के साथ मैं आपको सब चीजें बताता हूँ। ये हो गया एडम, कहाँ पे गया, ए रहा एडम। तो गाइस ये कैरेक्टर मैंने ले लिया, इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर स्किल नहीं रहेगी, और इसके साथ मैं आपको गेम के अंदर हेडशॉट मारना सिखाने वाला हूँ। अब मेन चीज गन की स्किन की वगैरह जो आती है उसके ऊपर भी इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप 50-50 का चांस रहता, आई थिंक थोड़ा बहुत गन की स्किन से फर्क पड़ता है हेडशॉट मारने में, बट उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मेन चीज वो है, सेकंड पॉइंट की गन के स्किन के ऊपर भी मैंने बता दिया, हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है क्योंकि आप वो देते हो क्या बोलते हैं पैसे देते हो गन की स्किन लेते हो, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बट जहाँ पे 3 हेडशॉट लगते हैं वहां पे विदाउट गन स्किन मेरे ख्याल से 2 हेडशॉट लग जाएंगे। अब तीसरी बात इसके अंदर आप देख लो गाइस, अगर आप स्मूथ पे खेलने वाले हो स्टैंडर्ड पे खेलने वाले प्लेयर हो तो जाहिर सी बात है आपके हेडशॉट थोड़े कम लगेंगे, अल्ट्रा वालों के ज्यादा लगेंगे। अल्ट्रा के अंदर आपने हाई एपीपीएस ऑन किया हुआ है तो आपके हेडशॉट ज्यादा लगेगी क्योंकि आपको फ्रेम रेट ज्यादा मिलेगी, तो आप उसका फायदा ले सकते हो। अगर आपके पास अच्छा फोन है तो आपके हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं मतलब कुछ नॉर्मल ज्यादा तो होते ही होते हैं। और आज मैं जो वीडियो के अंदर गाइस जो भी चीज बताने वाला हूँ ना एकदम जेन्यून चीज बताने वाला हूँ, और मेन वही है गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो ऑटो स्केल लिखा हुआ है वहां पे ऑन ऑफ है, वहां पे ऑटो हेडशॉट लिखा होगा और आप वो सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आपके हेडशॉट लगने लगेगा, ऐसा कोई चीज नहीं होता। लाइक ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आपको ऑटो हेडशॉट वगैरह को ऑन करना पड़ता है। अब सेकंड चीज देखते हैं सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी मैंने सभी 0 करके रखी है क्योंकि मैं आपको गेम के अंदर बताऊंगा। एक कंट्रोल गाइज आप मेरा कॉपी कर लो, कंट्रोल में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। याद रखना गाइज मैं डिफॉल्ट प्लेयर हूँ और डिफॉल्ट के अंदर ही हेडशॉट मारता हूँ, तो मैं आपको डिफॉल्ट के हेडशॉट के बारे में भी बताऊंगा। मेरे को इन दोनों हेडशॉट के बारे में भी पता है, प्रीसाइज स्कोप और फुल कंट्रोल के अंदर कैसे हेड मारते हैं, बट वो बहुत कम लोग यूज करते हैं तो वो यूज ना करो तो ही सही है, क्योंकि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट प्लेयर जो है ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट प्लेयर डिफॉल्ट यूज करते हैं और उसके अंदर हेडशॉट काफी सही रखते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट फायर बटन की, तो इसको आप ऑलवेज रखो जो मैं ऑलवेज रखता हूँ, बाकी ये सब चीजें आप देख लो ऐसा कर देना। अब ऑटो पिकअप के अंदर जो लास्ट वाली लाइन है वहां पे डिफॉल्ट स्पीड होगी उसे फास्ट कर दो। साउंड के अंदर ये चीज आप कॉपी कर लो, इसके अंदर ये म्यूजिक वगैरह मेरे को इरिटेट करता है तो मैं म्यूजिक को ऑफ ही रखता हूँ, बट अगर आपको ये म्यूजिक इरिटेट नहीं करता तो आप इसको ऑन रख सकते हो, मैं तो 0 ही रखता हूँ। अदर सेटिंग के बारे में बात करें तो ये मेरा अदर सेटिंग है। बाय द वे गाइस वीडियो को लाइक तो आई थिंक कर ही दिया होगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना।
तो भाई जब चीज आती है दूसरी बात, अब गेम के अंदर जाते ट्रेनिंग मोड में जाते, मैं ट्रेनिंग मोड के अंदर जाके आपको इजीली समझा सकता हूँ। तो आ जाओ गाइस अपन लोग ट्रेनिंग मोड स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर अपन लोग हेडशॉट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग मोड के अंदर। वो ट्रेनिंग मोड के अंदर पहले मैं कस्टम एचयूबी में जाऊंगा। कस्टम एचयूबी है कि एचयूडी है, ओके जो भी है, कस्टम एचयूडी जो भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आ जाना गाइस, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे कस्टम एचयूडी। गाइस जो चीज आपको डिफॉल्ट मिलती है उसे डिफॉल्ट ही रखो, इसके अंदर इतना कोई ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। अगर आपको फायर बटन वगैरह इधर उधर करना है तो आप कर सकते हो। राइट, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना इसको कर देता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा अंधा रखता हूँ। अंधा क्या मतलब, कम दिखे ऐसा रखता हूँ। अब साइज आप इसको थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हो, मैं 30 रखता हूँ, 30 रखता हूँ, ये सही रहेगा। एंड बाकी इसके अलावा बाकी जो भी चीज है उसकी, ये मैं जो दिखने की क्षमता है उसको थोड़ा कम करता, मतलब ज्यादा ही रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, इसलिए मैं इसको फुली रखता हूँ। बाकी आप अगर आपको ये जो है याद रह जाती है की सेटिंग, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, ये प्लेयर किल फीड है, इसको यहाँ पे रख दो और इसको एकदम छोटा कर दो, क्योंकि ये कोई काम की चीज नहीं है। आप किसको मारते हो मैटर नहीं करता, आपको बस गेम के अंदर किल के लिए उतरना है, आपको किल करना है, मोस्ट शो करना है और गेम को खत्म करना है। तो इसको साइड पे रख दो, इससे कोई मैटर मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता है हेडशॉट वगैरह के लिए। तो अभी सेटिंग को गाइस जो है ना आपको सेव कर लेना है, और इसको मैंने सेव कर लिया और मैं बाहर आ गया। अभी सेव करने के बाद हम यहाँ पे एडम के अंदर जाते, देखो ये गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको एक अच्छी तरीके से, आपको एक चीज आइडिया है उसके लिए। अब देखो यहाँ पे जाना है, गन लेनी है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक तो डेजर्ट एगल, जो एकदम पिस्तौल वाली गन है, उसको मैंने ले लिया है। अब कैरेक्टर स्किल वगैरह के ऊपर अगर आप लोग बिलीव करते हो कि उससे हेडशॉट मिलने में, हेडशॉट लगने में हेल्प होती है, तो वो बात गलत है। तो यहाँ पे देखो मैं एक ले लेता हूँ ड्रैगन वो, और एक एसकेएस ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने दोनों हेडशॉट वाली गन ली है, लाइक इसके अंदर वन टैप वगैरह ज्यादा लगता है, तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पे लेवल 3 की ग्रिप डाल देता हूँ, और लेवल 3 की मैगजीन, और लेवल 3 की ये सब चीजें डाल देता हूँ। देख लो आप मेरी गन को, आप देख सकते हो ऐसी गन बन चुकी है। आई थिंक मुझे एक और साइलेंसर लेना होगा डेजर्ट एगल के लिए, तो एक डेजर्ट एगल के लिए साइलेंसर ले लेते हैं। और कहाँ पे मिलेगा साइलेंसर भैया, एरा साइलेंसर। तो यहाँ पे गाइज हमने सब चीजें खरीद ली है, अब अपन लोग जाते हैं गेम के अंदर, और गेम के अंदर मैं आपको हेडशॉट मार के दिखाता हूँ। आप लोग मेरे फायर बटन के ऊपर नोटिस करना, फायर बटन को आपको हेडशॉट मारते समय ना ऊपर की साइड खींचना है। अब रुको ये बंदा मेरे को स्टार्टिंग में, देखो हेडशॉट लगा कि नहीं, आपको इस फायर बटन को ना ऊपर की साइड खींचना है। आप फायर बटन के ऊपर नजर रखो, देखो कैसे मैंने इजिली खींचा और हेड गया, इस तरीके बहुत बहुत आसान है गाइज। कई बार ऐसा होगा कि आपके हेडशॉट नहीं लगेंगे जैसे नहीं लग रहे। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हर एक गोली हेड के ऊपर जाएगी, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी हर एक गोली किसी बंदे को हेड के ऊपर लगेगी, तो भाई ये चीज़ आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हर एक गोली आपकी हेड के ऊपर नहीं जाने वाली है। अगर आप 10 गोली छोड़ोगे तो अगर आप नेक्स्ट लेवल वाले प्लेयर बन जाओगे तो 10 में से 7 गोली हेड के ऊपर जाएगी, बट 10 की 10 गोली हेड के ऊपर लगेगी ऐसे जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एकदम ओपी वाला हेडशॉट मारा। एक रेंज भी मैटर करती है अगर आप ड्रैगन वो यार इसके चला रहे हो। अब मेरे फायर बटन के ऊपर नजर रखो, देखो मैं फायर बटन को, कोई लोग ना ऐसे देखो यार चिमगांडी ने मार दिया, मैं आपको फायर बटन का दिखाने वाला था। अब देखो फायर बटन, देखो कई लोग इस तरीके से प्ले करते हैं, ऐसे सामने बंदा है ना इसको पहले मैं मार देता हूँ, हेडशॉट लग जाए यार इज्जत का सवाल है। रुको, तो कई सारे लोग ना ऐसे मारते हैं, गोली दबा दबा के मारते, ऐसे नहीं करना है आपको, ऊपर की साइड खींचना है। देखो ऐसे इस तरीके से ऊपर की साइड फायर बटन को खींचना है। एक मिनट चिमकांडी बाहर आ जाए ना, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। उसको छोड़ो, अपन किसी और को लपेटे में लेते हैं। ये चिमकांडी लड़की मर गई, वरना मैं इसको ही मारता। ये देखो ये रहा, अरे यार इसको भी किसी ने उड़ा दिया, अरे यार इसको भी उड़ा दिया। मैं किसको आपको दिखाऊं मार के, ओके ये रहा सामने बंदा एक लड़की है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको अभी हेड मारता हूँ, अरे अरे भी अंदर चले गए, ये देखो अरे अरे भी अंदर चले गए, ये देखो कितना ओपी हेड लगा। तो यही एक गाइस किस हिसाब से उसका हेड है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। उसका जहाँ पे हेड है वहाँ पे आपको गोली चलानी है, ऊपर की साइड खींचते हुए। अगर लेफ्ट साइड से कोई बंदा आ रहा है तो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्क्रोल करो। ऐसा नहीं है गाइस, कई सारे लोग ना ऐसा करते हैं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट में मर गया कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कई सारे लोग ये चीज करते हैं, जैसे ही हेड मारने में बोल रहा हूँ आपको ऊपर की साइड फायर बटन को खींचना, ऐसे नहीं खींचना है आपको, एकदम हल्का सा खींचना है। ऐसा नहीं मतलब कल से काम करना है, ऐसे नहीं करना है कि मतलब जितनी क्षमता है उतना लगा दो, एकदम नॉर्मल ड्रेक करना है। देखो ऐसे एकदम नॉर्मल ड्रेक कैसे, अब मैं तुम्हें पिस्तौल के अंदर मार के दिखाता हूँ। एक बार पिस्तौल के अंदर भी मारना जरूरी है, वरना पिस्तौल का कोई फायदा नहीं है। देखो ये डेजर्ट एगल के अंदर कितना ओपी हेड लगा, बट डेजर्ट एगल एक ऐसी गन है जिसके अंदर आपको 50 मीटर के अंदर कोई बंदा होगा तब आप इजीली हेड मार सकते हो, और उनमें से भी बहुत ही कम हेडशॉट लगेंगे। अब देखो इन लोगों ने वो लगा लिया कैरेक्टर स्किल, उसको तो आप कैसे ही मारोगे जिसने कैरेक्टर स्किल लगाया हुआ है इसको। और लाइक मैं मार के दिखाता हूँ, बट उन लोगों ने कैरेक्टर स्किल लगाया था तो मैं दिखा नहीं पाया। तो गाइस मेन वही है कि आपको एक रेंज मैटर करती है, एक रेंज के अंदर रहना है। ड्रैगन वो के अंदर आप 130 या 120 मीटर के अंतर के अंदर ही आप हेडशॉट इजीली मार सकते हो, एंड उसके ज्यादा है तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे मैंने अभी वापस से मारा।
इसके सोया ड्रैगन वो गाइज मैटर नहीं करता, एक रेंज दोनों की सेम है उसी रेंज के अंदर लगता है। अब जो पिस्तौल है उसके अंदर आपको देखो 50 मीटर के अंदर बंदा रहेगा तो आप इजीली हेड मार सकते हो। मैं ना इसका दिखा, अरे यार चिमकांडी पीछे से मार गए ना। बहुत हार्ड है गाइज ये वीडियो ना, टिप्स एंड ट्रिक्स बताना क्योंकि मेरा हाथ बैठ चुका है गाइज। आप लोग याद रखना आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और आपके हेडशॉट लगने लगे, आपको प्रैक्टिस लगेगी। देखो मैंने पिस्तौल के अंदर अभी हेड मारा था, जाता था तो ये चीज़ें, रुको मैं इसको भी मारता हूँ बढ़िया ये लोग ऐसे। तो मेन वही है कि आपको शॉर्ट रेंज के अंदर पिस्तौल से हेड मारो तो शॉर्ट रेंज के अंदर मारो। देखो मैं अभी लॉन्ग रेंज पे मारूंगा तो इसका नहीं लगेगा, बट अगर यहीं पे या मैं ड्रैगन वो या तो एसकेएस यूज करूंगा तो लग जाएगा। रुको मैं अगर मार, अरे यार पीछे से मार दिया गाइस। ये चीज़ हो गई ड्रैगन वो और एसकेएस की। अब बारी आती है शॉर्ट रेंज के गन के बारे में। शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोगों को पता होगा मैं MP40 प्लेयर हूँ, मैं शॉटगन प्लेयर नहीं हूँ। तो अगर आप शॉटगन ए वाली चलाते हो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ शॉटगन कौन सी होती है। एक यहाँ पे शॉटगन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ए वाली शॉटगन देखो गाइस, ये वाली जो M1887 है, M2B क्या M1887, मैं इसको नहीं चलाता हूँ। मैं सिंपल सी बात है, मैं शॉर्ट रेंज के अंदर MP40 और MP5 चलाता हूँ। तो मैं दोनों की टिप्स आपको दे देता हूँ किस तरीके से आप लोग हेडशॉट इसके अंदर मार सकते हो। और हाँ भाई लोग, गेम के अंदर ना मैंने सेंसिटिविटी के बारे में आपको नहीं बताया, तो मैं सेंसिटिविटी के बारे में बता दूँ। जो जनरल है उसको आप लोग इतना कर दो, 50 कर दो, जनरल को 47 या जितना रखना है रख सकते हो। रेड डॉट को इतना रखो, रेड डॉट इतना मेरे ख्याल से इनफ है। 2x को इतना रखो गाइस, 2x और जनरल के बारे में आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अरे यार लैंडिंग ही नहीं होने दी प्रॉपर। लैंड करने के बाद मैं आपको ना सिखा सकता हूँ, बट लैंडिंग करने दिए बंदे, देखो ये रहा बंदा। तो देखो इस तरीके से हेड लगेगी, आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी इधर उधर करनी है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। देखो लगी उतनी गोली हेड के ऊपर लगी, बाकी देखो कितनी ओपी तरीके से हेड के ऊपर गोली लगी। तो ये चीज़ें गाइस सेंसिटिविटी भी मैटर करता है, तो सेंसिटिविटी को अपनी तरीके से छेड़ो। अंडर जनरल को अगर आपको ज़्यादा रखना है, 100 रखना है, तो 100 भी जनरल को कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर है। जनरल मतलब ऐसे घूमने वाली सेंसिटिविटी, देखो ऐसे घूमने वाली सेंसिटिविटी को जनरल कहते हैं, ये जनरल हो गया। और 4x4 इन सभी के बारे में तो आपको पता ही है, सेंसिटिविटी मैंने आपको दिखाया ही है। शॉटगन के अंदर भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, बट उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो। और गाइस इस वीडियो के अंदर लाइक हो जाते हैं ना, लाइक 500 के लाइक हो जाते हैं, 500,000 लाइक हो जाते हैं, तो मैं शॉटगन की ट्रिक्स भी दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड रहेगा समझाने के लिए। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर तो वो चीज़ को आपको इंक्लूड करके सच बताऊँ तो नहीं समझा सकता क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मगजमारी है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाना होगा कि आपको ये करना है वो करना है, एंड उसके बाद जाके आपको चीज़ वो समझ आएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो गाइस कैरेक्टर स्किल का आपको लग गया है अंदाजा आ गया कि कैरेक्टर स्किल मैटर नहीं करती हेडशॉट के लिए। मैं MP5 का भी हेड मार दो, इसका देखो कितना ओपी हेड मारे दो। अब यहाँ पे देखो इसको भी कितने ओपी वाले हेड मतलब लगे। आपको फायर बटन को बस हल्का सा ऊपर की साइड खींचना, इतना याद रखना, एकदम पूरी ताकत लगा के नहीं खींचना है, आपको एक हल्का सा ऐसे फायर बटन को हल्का सा ऊपर खींचो, हेड क्यों नहीं लगेगा भाई ऐसे। देखो मेरे को किसी और ने मार दिया, वरना मैं यहाँ पे आपको और भी टिप्स देता। अब रुको मैं वापस से एक बार ट्राई करता हूँ, अब देखो मैं वापस से दिखाता हूँ। ओके कहाँ पे चिमकांडी, ये चला गया थोड़ा रेंज के बाहर। MP5 के अंदर गाइस 80 मीटर की रेंज तक बंदा है, तब तक क्या देखो इसको एक ही हेड लगा, बट मैन वही MP40 के बहुत सोलिड हेड लगे। देखो ऐसे MP40 के ना गजब हेड लगते हैं, बट मेन वही है कि यार इसके अंदर मगजमारी ज़्यादा है। और यहाँ पे रोनाल्डो लगा के वो बच गया, वरना इसको भी मैं मारता। MP40 के ना जलवे अलग है, रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा क्लोज में जाने दो। देखो MP5 के हेड देखो बस एक बार, MP5 के भी गजब लगते हैं, बट MP40 का कुछ शॉर्ट रेंज के अंदर होना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। भाई MP40 चलाने को कहा जा, कैसे हेडशॉट MP40 के भी जल से है भाई। तो आई होप कि गाइज आपको ना चीज़ें समझ आ रही होगी कि इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही ना गाइज 3-4 गोली नहीं लगती हेड के ऊपर, तो इसका मतलब ये कि आपको गोली मारना बंद करना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। मतलब ऐसा थोड़े क्या होता है, मैं समझा दूँ आपको, 1-2 मिली सेकंड के लिए गोली मारना बंद करो, वापस से गोली चलाओ। लाइक जो स्टार्टिंग की गोली होती है ना एकदम एक्यूरेट होती है, तो उसके अंदर हेड लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो इसको कितने ओपी वाले 3 गोली हेड के ऊपर लगी, बट चिमकांडी डाउन ही, देखो ऐसे एकदम ओपी वाला। और स्कोप के अंदर भी बढ़िया हेड मार सकते हो, स्कोप के अंदर मैं आपको MP5 का दिखाता हूँ, अगर मारता हो तो देखो ऐसे बहुत ओपी हेड लगते हैं यार। हेड मारना बहुत आसान है, बट मेन वही है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, फायर बटन को खींचो अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस करो और आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे हेडशॉट मारने के लिए। और आपको ये वीडियो गाइज आई होप कि पसंद आया होगा, मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया वो चीज़ भी आपको पसंद आई होगी, लाइक मतलब जो आपको समझ आया होगा। लाइक मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, और बचपन में मैं भी लाइक ऐसा था कि मैं समझ नहीं पाता था कोई चीज़ इतनी जल्दी जब टीचर समझा देते थे,
आई होप आप लोग समझ आया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह समझाने की ट्राई किया है। वैसे गाइस देखो यार, फन के लिए खेलो गेम है सब, मोह माया जद आजी पाला में गया गेम यार, छोड़ो यार जान दो, तेल लेने गया गेम क्या यार, बेमतलब की मगज मारी इसके अंदर। बट जो भी हो गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, नहीं वो सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करो, सीख जाएगा यार। ऐसा नहीं है नहीं सीखेंगे, साथ में रहेंगे तो सब लोग सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, साथ में लाइव स्ट्रीमिंग पे जुड़ो, लाइव स्ट्रीमिंग में करता हो तब आया करो, सुबह में मजाक मस्ती करेंगे चीजें, कुछ तुम सीखोगे कुछ हम सीखेंगे, कुछ तुम हमें सिखाना कुछ हम तुम्हें सिखाएंगे, कुछ फालतूगिरी तुम करना कुछ फालतूगिरी हम करेंगे। बाकी देखो मैं एक बार ना ऐसे गेम प्ले करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे यार भाई उतरने तो दे, उतरने तो दे भाई, तेरे को इतनी जल्दी क्यों है बेचिमकांडी, क्या यार देखो अभी लैंड किया है ना कोई आके मार जाए, मैं चलता हूँ वरना फिर मारी जाएगा। अरे रे 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 भैया, नहीं 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 चिमकांडी हो क्या, ऐसे हेडशॉट गाइस एकदम ना, टेंशन नहीं लेना, गोली चलाओ बस, माँ की आंख बंदा क्यों नहीं मरेगा, मरेगा ही मरेगा भाई, सब मरते हैं, कोई अश्वत्थामा नहीं है गेम के अंदर, सब मरेगा, बस आपको मारना है। देखो वो भाग रहा था तब भी एक गोली हेड के ऊपर गई कि नहीं, कैसे हेड देखो इस तरीके से हेड लगेगा, और कई बार तो ना सभी गोली हेड के ऊपर भी जाएगी देखो ऐसे, तो उसका कोई इशू नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ हो इतना ओपी, ऐसे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, फायर बटन को एकदम एंजॉय करते हुए ऊपर की साइड खींचो, परफेक्ट हेड भाई, लोग देख के बोलेंगे भाई तूने हैक बैक किया हुआ है क्या, और तुम बोलोगे ना बुरा ना लाला ना, ऐसा मतलब एकदम बढ़िया, देखो कितना ओपी हेड मार। अरे भाई ये तो चालू होने से पहले ही खत्म हो गया, किसने मारा बे, देखो कितना ओपी, अरे यार चल जाने दो। तो भाई देखो क्या कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं सुबह एकदम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय। ओके ये वीडियो खत्म हो गया भाई, तुम लोग जाओ यार अब, रुको जरा सबर करो। सो गाइस अब लोगों को हेड मारने के लिए सबसे पहले आपको मूवमेंट स्पीड बढ़ाना होगा, जो कि आप मेरे देख सकते हो मेरा थोड़ा कम है और मैं इसको बढ़ाता हूँ। कैसे बढ़ाना है, पहले आपको सेटिंग पर जाना है, जाने के बाद आपको पहले वाला जनरल सेटिंग है ना उसको आपको 100 पर रखना है, 100 पर रखने के बाद आपको देखो मेरा, अब मेरा देखो मूवमेंट स्पीड, ओ भाई ओपी लेवल का ही मूवमेंट स्पीड मेरा बढ़ा है और आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, उसको जनरल है ना पहले वाला उसको 100 पर ही रखना होगा, 100 पर रखोगी तभी बंदे को हेड लगेगा और मूवमेंट स्पीड और भाई सब कस्टम खेलने में मज़ा आ जाएगा। सो गाइस सबसे पहले आपको फ़ोन का सेटिंग पर जाना होगा, सेटिंग पर जाने के बाद आपको जो मोबाइल का इन्फॉर्मेशन है ना जिधर, और बीटर के इमेक्स कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, उधर जाना होगा, उधर जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा, नीचे जाने के बाद आपको बिल नंबर दिखाई देगा, उसका बिल नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार टैप करने के बाद आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि मेरा टेक्नो फोन है और मेरा इधर डेवलपर ऑप्शन नहीं शो करेगा, मेरे को नीचे जाना होगा, नीचे जाने के बाद सिस्टम पर जाना होगा, सिस्टम पर जाने के बाद नीचे आप लोग देख सकते हो मेरा डेवलपर ऑप्शन खुल चुका है, इधर जाना होगा, इधर जाने के बाद आपको DPI बढ़ा देना है, सिर्फ आपको DPI बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है, और DPI ज़्यादा यूज मत करो ये लोग, आप देख सकते हो DPI इसको ज़्यादा यूज मत करो, इसको सिर्फ 50 से 100 इससे ज़्यादा मत करो, 100 आप बढ़ा दो और मैं रखता हूँ 410 इधर मैं रखता हूँ, और आप चाहो तो आप ऐसे नॉर्मल फ़ोन में आप ऐसे रख सकते हो।